अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि केकड़ा खाना कैसा है, क्या इसको खा सकते हैं या नहीं। आज हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक यानी हनफियों के नज़दीक केकड़ा खाना हराम है, और शाफ़ी हज़रात के नज़दीक केकड़ा खाना जायज़ है, वह केकड़ा खा सकते हैं अपने इमाम की पैरवी में, लेकिन हनफियों के नज़दीक केकड़ा खाना हराम है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाई जानवरों में से सिर्फ मछली को हलाल करार दिया है और केकड़ा मछली नहीं है, इसलिए बुज़ुर्गों की दलील यह है कि केकड़ा नहीं खाना चाहिए। इसलिए प्यारे दोस्तों, केकड़ा खाने से परहेज़ करें। उम्मीद है कि आपको यह मसला समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।